मल्लाप्पा जी अष्टगे और उनकी श्रीमती जी श्रीमंती सदला का ग्राम में रहते थे और श्रीमंती के एक पुत्र हुआ और उसके मरण के बाद दूसरे महावीर का जन्म होता है और इसके बाद एक पुत्री का जन्म होता है और पुत्री भी कुछ वर्ष की होकर चल बसती है। इसके बाद देखिए एक दिन माँ श्रीमती जी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी और अचानक विश्राम करते करते स्वप्न तो सभी को आते हैं, किसी को शुभ आते हैं और किसी को अशुभ स्वप्न आते हैं और ऐसे ही उनने कुछ स्वप्न देखे। देखिए क्या देखती हैं। माइक दे दो, माइक माइक भैया माइक। अरे सपना, एक ऐसा सपना देखा मैंने, इन सपनों का आकाश मार्ग से आते हुए चक्र दो चारण दो मुनि तीर्थंकर भगवान दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज पड़गाहन। मैं इन सबका अर्थ किससे पूछूं? माइक से बोलिए। हाँ स्वप्न तो तीर्थंकर के स्वप्न तो माता त्रिशला को भी आए थे और गर्भ में भगवान महावीर। मैं भी किससे तुलना करने लगी। हाँ और चिंतित मुद्रा में वो अपने दिन का हो या रात का सपना सपना होए सपना अपना सा लगे पर अपना ना सपना अपना ना होए। हाँ चिंतित मुद्रा में श्रीमती जी बैठी हुई है। प्रातः काल के समय मल्लप्पा जी प्रवेश करते हैं। हे आर्य क्या हुआ, बहुत चिंतित दिख रही हो, क्या बात है? स्वामी मैंने स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न देखा? स्वामी मैंने स्वप्न में आकाश मार्ग से आते हुए चक्र दो तीर्थंकर भगवान दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आते हुए देखा और उनका पड़गाहन कर निरंतराय हार कराया। स्वप्न तो मुझे भी आया था, बड़ा ही डरावना स्वप्न था। कैसा स्वप्न आया था स्वामी आपको? मैं जंगल में खड़ा अकेली डरता हुआ खड़ा था और अचानक से जंगल की झाड़ियों के बीच से एक विशाल सहन मेरे समीप आता हुआ आ रहा था और मैं डरा सहमा कांपता खड़ा था। धीरे धीरे वह मेरे इतने समीप आ जाता है और वो दस्त कर लेता है, मगर एकदम अचानक से मेरी नींद खुलती है और आंख खुलते ही मैं हांफता कांपता डरा सा सोचता हूँ कि स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, स्वप्न तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, बुरे भी होते हैं। स्वामी स्वप्न में आपको सह देखना, मुझे मुनिराज देखना, ये तो बहुत ही स्वप्न है। जरूर ही मेरे घर में कोई पुण्यशाली जीव होगा। हाँ क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है। स्वामी आपको याद है मैंने अट्टीबाग में श्री विद्यासागर जी की समाधि स्थल पर नियम लिया था कि मेरी संतान जीवित रहेगी तो मैं इस पुण्य वेदिका पर 5 विधान करवाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल अवश्य ही कराएंगे। यदि
हे अतिंद्रिय सुख के भोक्ता, मेरे भोगों का परिणाम अनंत सुख के भोगों को भोगने वाले जीव का कारण बने। मेरी कोख में एक ऐसा जीव, ऐसा कमल खिले जिसकी सुगंध से जगत का वातावरण धर्म से खिल उठे। Gracias.